मैं तो भाई स्थिति में भाई आप सबको क्या बोलूँ, पढ़ने का सीन दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा भाई डिफरेंट हुआ, तो चलो आज दिखा ये सीन की गया हटने, तो हटना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो भाई दिस इज़ कॉल ऑफिस टाइम। तो हाँ भाई वहाँ पे एक ब्लू बुलेट भी दिख गया वो रहा। तो हाँ भाई भीड़ तो देखो जाम लग गया यहाँ पे। चलो मैं और एक करके जाऊँगा, और एक भूल गया था। चलो अभी तो आज का डेट है भाई 17 फरवरी, और मम्मी यहाँ पे देखो कलरफुल ये है बीट और बीम एंड आलू गाजर से एक, ये क्या होगा मम्मी? तो इसका बेसिकली एक चचड़ी होगा, एक कड़ी, और इस तरफ जो है ना गाजर आलू टोमेटो का इसका भाई भाजा होगा मटरशूटी देकर। देखो कितना कलरफुल लग रहा है। तो हाँ चलो, तो आज बेसिकली है 17 फरवरी, अभी वैसे सुबह का 10। तो हर समय तो भाई घर में बैठ बैठ कर पढ़ रहा हूँ, इस सुबह फिजिक्स पढ़ रहा था, थोड़ा सा मैथ कर रहा था, बायोलॉजी पढ़ रहा था, और इंग्लिश आज पूरा दिन पढ़ूंगा क्योंकि कल बाद परसों है मेरा इंग्लिश एग्जाम, तो उसके बाद और एक दिन बाद फिजिक्स एग्जाम, तो ऐसे ही एग्जाम हो जाएगा। तो पापा ने बोला थोड़ा सा बाहर से घूम आता हूँ, और एक दो काम भी है, बीतान के पास से एक बुक लेकर जेरोक्स करूंगा या फिर जो करूंगा, तो चलो बाहर जाकर अभी दिखाता हूँ तो वहाँ क्या क्या होगा, थोड़ा सा हट के आता हूँ। बेसिकली हटना भाई सेल के लिए बहुत अच्छा होता है उसके लिए। चलो, और हाँ आप सब भी भाई अगर पढ़ रहे हो घर में बैठकर, हर समय घर में नहीं बैठ के रहो, इससे भाई हमारा जो दिमाग में एक प्रेशर पड़ता है, तो बाहर थोड़ा सा घूम के आओ, एग्जाम के अंदर भी थोड़ा सा बाहर टहल के आओ, ऐसे ही हो जाता है। आज भाई बहुत ही सुंदर रोड उठा है, और ये गाछ को देखो, ये बेसिकली ओरल का गाछ है भाई, फूल से भरा हुआ है। तो हाँ चलो, बहुत सुंदर सुंदर रान्ना वाना हो रहा है, पूरा ही वेजिटेबल्स। भाई जूता का हालत देखो, तो यही पहन के जाना पड़ेगा। चलो पापा चला गया है। तो ये जो भाई घर तक देख रहे हो ना, ये भाई जो एग्ज़ाम के लिए आएगा HS, इन सब को बैठने के लिए किया है। तो हाँ, तो यहाँ पे ही बेसिकली बीतान रहता है इस गली से, तो अभी फ़ोन करके उसके डाकूंगा, एक बुक लूँगा, थोड़ा सा जेरॉक्स करूँगा। तो हाँ आज बेसिकली एक ITI का ना किसका एक HS का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए एक मम्मी देखो बैठा है यहाँ पे उस स्कूल में, छोटी स्कूल में, तो वहाँ बैठते हैं, जब मतलब जाते हैं अभी फ़ोन करके। तो उड़ा हुआ बीतान आ रहा है। तो हाँ चलो, बीतान हमारा जूतोड़ा देख सम्राट एक्सक्लूसिव का बेसिकली मैंने ये बुक नहीं पाया था, तो अभी जाते हैं। चलो चलो भाई सामने ही है, तो पहुंच ही गए। तो हाँ चलो, अभी पहुंच तो गए हैं, तो दे दिया, तो अभी करते हैं जल्दी से। तो चलो भाई, तो देखो चारों ओर कितना धूला है, मैं बेसिकली इसलिए भाई मास्क पर गया था, आज ही नहीं पहना। तो हाँ नीचे की फॉर्मूला शुरू हो गए, কত করে নিচ্ছ এটা? হ্যাঁ 1750। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, রেড বুলেট, ওয়াও, এ ভি ওয়াও গাড়ি হ্যাঁ। চলো চলো, হোয়াইট বুলেট ভি দিখ গয়া ভাই, বুলেট মেরা ফেভারিট। तो अभी भाई गेट बंद हो गया आई थिंक, और ट्रेन आएगा उसके लिए, और एक पीस था प्रिंट आउट वो भी करने दिया, तो बात है। चलो ये भी बेसिकली मिट्टी का सब काट स्ट्रैच करता है, तो वो हाँ शॉप है, यहाँ पे खड़ा हूँ भाई बहुत धीमे से। तो भाई अभी जाम लग गया, तो हाँ एक एक करके सब जा रहा है। चलो, तो भाई दिस इज़ कॉल ऑफिस टाइम। तो हाँ भाई वहाँ पे एक ब्लू बुलेट भी दिख गया वो रहा। तो हाँ भाई भीड़ तो देखो जाम लग गया है यहाँ पे। चलो मैं और एक करके जाऊँगा, और एक भूल गया था, और रास्ते के अंदर भाई तो ऑटो थम गया, क्या हुआ स्टार्ट ऑफ हो गया। तो हाँ वो देखो रास्ते के अंदर हो तो गया है। तो हाँ भाई ठंडा है, तो भी रोड का बहुत तेज है। तो हाँ चलो, पापा अगर सोचोगे कि भाई गार्ड नहीं है, तो देखो पुलिस बैठा है वहाँ पे, और ये सब सब्जेक्ट जो का भाई कंपटीशन नहीं है, इन सब सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है ना, तो ये सब चांस पा जाएगा सब जगह। तो हाँ चलो, अभी बीतान को देकर चला जाऊँगा। तो भाई पापा चला गया है, क्योंकि पापा का आज भाई ड्यूटी है, काम है, तो उसके लिए। तो चलो अभी मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ। बीतान का बुक लेने भाई बीतान फिर से चला आया है। बीतान बंगाली एग्जाम कैसा रहा? हाँ ठीक ठाक। बीतान को दे दिया भाई, हमारे घर के पास ये घर देखो कितना लंबा हो रहा है। तो हाँ हमारे
घर इस तरफ है, तो अभी चलो जाते हैं। तो पहुंच भी गए पापा भाई काम के लिए बाहर भी निकल गया। तो चलो तो मैं तो भाई स्विगी में भाई आप सबको क्या बोलूँ, पढ़ने का सीन दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा भाई डिफरेंट हुआ। तो चलो आज दिखाया ये सीन की गया हटनी, तो हटना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो चलो बाय भाई, अभी घर में जाकर खाने खाऊंगा दाऊंगा, तो और क्या दिखाऊंगा, पूरा दिन पढ़ूंगा। तो भाई हमारे घर के बाहर ही श्री कृष्ण है, तो चलो। हाँ घर के अंदर भी है, पर ये तुलसी मंदिर होता है ना घर के बाहर, तो यहाँ पे है, तो बहुत सुंदर है। जय श्री कृष्ण बोल के चलो। बिल्लू सुबह के खाने में भाई यहाँ पे है बीम आलू का कड़ी और गाजर आलू भाजा, आलू भाते, तो बहुत ही भाई हेल्दी फूड है। और दादू वहाँ पे है बेसिकली, और गज देख रहा है, तो चलो मस्त खाते हैं। मैं पे गाइस एलिमिनेशन प्रोसेस जो है 2023 का एचएस जो एग्जाम पेपर है उन सब का क्वेश्चन को एलिमिनेट करके पढ़ रहा था बेसिकली, जिससे लास्ट टाइम में सुविधा हो। और एक एलिमिनेशन करके मैंने खुद का भी क्वेश्चन किया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैं करूंगा, ये भाई इंदुजी सर का सब क्वेश्चन है। तो हाँ, और मैंने एवरी पोएट्री खोटा कर पढ़ लिया है जिसका जेरोक्स आज सुबह किया था। तो हाँ बहुत अच्छे से खोटा कर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पीछे लिखा एक दो करके बहुत अच्छे से खोटा कर। और एक आनसीन भी, आनसीन का प्रोसेस, आंसर भाई पहले दो तीन बार पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चंस दो तीन बार पढ़ के आंसर करो, ये सब भी भाई और एक बार याद करके आंसर लिख रहा था बेसिकली, कैसे आंसर लिखना पड़ेगा, दो मार्क है एक एक आंसर में। ये एक आंसर था भाई टाइम को लेकर, कि स्टूडेंट्स को भाई हर टाइम में पढ़ाई कर लेना चाहिए जिससे एग्जाम में फेल नहीं होता है, यही लिखा। और टाइम का काम टाइम में करो, जब याद पड़े उस समय ही कर लो, यही बोला है यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि आप सब फिर से पाओगे, जैसे हेल्थ बोलो, नॉलेज बोलो, वेल्थ बोलो, धन संपत्ति, पर टाइम भाई आप कभी भी फिर से नहीं पा पाओगे। तो टाइम का काम टाइम पे करो। और मैं भाई एवरी जो जो पोइट्री या स्टोरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज करके पढ़ रहा था, और ये चंद्रयान 3 भी। तो हाँ, तो आज अभी एक पेड़ को प्लांटिंग किया, ये भाई क्या बोलूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो राम जी देखो अभी मम्मी ने लेकर आकर तो लगा दिया, ये भाई बहुत सुंदर होता है। और अभी भाई है दोपहर 3 बजे का समय, रोज सुंदर से उठा है, और हमारा जल देने का जुगाड़ देखो, चलो बहुत सुंदर से लगा। और ये है नीरून, तो चलो बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो हाँ भाई थोड़ा थोड़ा समय प्लांटिंग भी करता है, मेरा मम्मी का भाई प्लांटिंग करने का बहुत शौक है, तो एक दिन मैं गार्डन कर दूंगा मेरे मम्मी को। चलो, और हमारे जानने से भाई ऐसा व्यू है, तो हाँ बहुत सुंदर लगता है यहाँ से, आज रोद भी उठा है बहुत सुंदर। तो चलो आज मम्मी ने मस्त क्या बोलूँ तेतुल का चटनी बनाया है भाई, मेरा बहुत फेवरेट, मेरा और मेरा पापा का, मस्त डेकोरेशन करके भी दिया है, बहुत अल्प से ही बनाया है, अल्पो मतलब बहुत थोड़ा सा। इसमें भाई किशमिश, काजू बादाम, उसके बाद टोमेटो और तेतुल, तेतुल को क्या बोलता है हिंदी में नहीं जानता, पर बहुत टेस्टी होता है। तो ये बनाया है, तो देख लो अच्छा लग रहा है ना, तो थोड़ा सा ही बनाया है, तो चलो हम तीनों सब खाते हैं। और भाई हमारे यहाँ पे सडनली ठंडा पड़ गया, और हेयर कट किया था ना आज, तो शैम्पू किया था, तो उससे जुकाम जैसा कुछ हो गया था, सर्दी हो रहा था। तो मेरा भाई एग्जाम के अंदर ये होगा ही होगा, HS एग्जाम में होते हो क्या हुआ, कल है इंग्लिश एग्जाम बेसिकली। तो मेरा भाई प्रिपरेशन सब डन टर्न है, मैंने सब कर लिया, स्ट्रैटेजी बना लिया कैसे करूंगा मैं, फर्स्ट MCQ SAQ जो 1 mark है, उसके बाद आनसीन कर लूंगा मेरा, मैं जहाँ पे पढ़ता था शिवशंकर अंकल, मेरे पापा का बंधु, तो उन्होंने मेरा सजेस्ट किया था कि आनसीन कर लूँ, उसके बाद राइटिंग करूंगा 10-10-10 mark, मतलब 20 शॉर्ट क्वेश्चन में, उसके बाद 10-10 मतलब 40 mark पहले कर लूंगा, उसके बाद 6 mark का 5 question मतलब 30 mark वो कर लूंगा, 40+30 70 और 10 mark लास्ट ग्रामर लास्ट में करूंगा। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है, तो आप सबसे शेयर किया, आप सभी ऐसे थोड़ा सा सोचकर स्ट्रैटेजी बनाकर जाओ एग्जाम हॉल में, तो हाँ खुद के ऊपर बिलीव करके जाओ। और कल तो आप सब जानते हो कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा, तो देखते हैं कल क्या होगा। तो हाँ और अभी बज रहे 11:25, तो खाका दाकर अभी जल्दी से सो जाता हूँ, क्योंकि भाई कल सुबह जल्दी से उठकर मैं पढ़ूंगा 6 बजे या 6:30, देखते हैं कौन सा मैं उठता हूँ। तो हाँ, और 8 बजे के अंदर निकल भी जाऊंगा, तो 11:25 हो रहा है, खाका दाका जल्दी से सोता हूँ, चलो कल ब्लॉग आएगा। तो हाँ बाय। वो भी नहीं, कैसा एक चीज है माकुशा और क्या डाना है ये, तो भाई मैं फर्स्ट लाइफ में देख रहा हूँ ऐसा कोई चीज। ओ माय गॉड, इट्स टू स्ट्रेंज। देखो तो लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ थोड़ा सा,
ये देखो क्या है चीज, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। जो भी हो, न्यू क्रिएचर आई थिंक। और मेरा भाई एग्जाम हॉल के जाकर एक प्रॉब्लम हुआ था कि मैं ना क्या बोलू, बहुत पढ़ के गया था ना, बहुत पढ़ के, उसके लिए ना मैं बहुत कॉन्फ्यूज हो गया था और याद नहीं आ रहा था। तो उस समय भाई दिमाग ठंडा रखो, काम रखो, ध्यान से एग्जाम आपका पेपर ही फॉलो करो और कुछ भी तरफ नहीं देखो क्या हो रहा है बाहर। जस्ट आपका एग्जाम आपका 3 आवर में खत्म हो जाएगा, उसमें ही फोकस्ड रहो। तो हाँ मैं ही बोलना चाहता हूँ जो मेरे साथ बंगाल एग्जाम में हुआ, मैं तो भाई बहुत पढ़ के गया था, तो जो भी फुल्ली भाई 95 मार्क तो आएगा ही, देखता है क्या, 100% ही आंसर किया था तो हाँ। और एक दो शॉर्ट्स देखते हैं ठीक होता है कि नहीं। और एक बात, फुल्ली फोकस्ड रहो आपका खुद का एग्जाम के ऊपर। चारों ओर बंधु क्या कर रहा है ये देखने के लिए आप एग्जाम में नहीं गए, आप खुद का सेल्फ को क्या बोलू प्रमाण करने, खुद का सेल्फ को सबके सामने प्रमाण करने ही गए हो। एमसीक्यू वैसे को थोड़ा सा होता है पर उतना तो फोकस नहीं रहो। आप पहले कंप्लीट कर लो, लास्ट 30 या 15 मिनट्स में थोड़ा सा बातचीत कर सकते हो। तो हाँ मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, प्रैक्टिकल बातचीत करता हूँ। और यही बोलना था भाई, खुद के ऊपर फोकस रहो और काम माथा बहुत ठंडा रखो, उससे ही आप एग्जाम अच्छे से दे पाओगे। कल मैं भाई फर्स्ट जो अनसीन प्रेसे ये सब लिखूंगा बहुत कामली भाई करके, पर हाथ चलाओ बहुत स्पीड से हाथ चलाओ क्योंकि टाइम भाई बहुत कम है। तो माथा ठंडा रख के ये करो तो उससे ही आपका अच्छा रिजल्ट होगा। तो हाँ बाय।